महालक्ष्मी नमस्कार ओम मनसा काम भागोति वाचा सत्यमसीमै वसुनाम रूप मंडस्य भूता विषम फलकर्दमा श्रियं वासय मे कुले वाचिकाने ललित वसुने गृहे निज देवे मातरं श्रियं वासय स्वस्ति पिंगल पद्ममालिनि चंद्रा मिरन महिम लक्ष्मी जात वेदो महावहा तवेदो महावहा नमो भगवते नृसिंहाय। सभी भक्तजनों को यह जानकारी होगी, श्री खाकी जी महाराज का घुणा मादलिया ग्राम में इस समय विष्णु सहस्र नाम यज्ञ चल रहा है। यह यज्ञ यहाँ पर नवनिर्मित ध्रोणी के जीर्णोद्धार में के उपलक्ष में प्रचलित है। यज्ञ करने से सभी भूतों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति वचन है। यज्ञ करने के अन्य बहुत सारे महत्व है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मः समुद्भवः। पर्जन्य वर्षा की जो हमें प्राप्ति होती है वो यज्ञ कर्म से ही संभव है। और यज्ञात् भवति भूतानि, यज्ञ से भूतों की तृप्ति उत्पत्ति भी होती है, अतः यज्ञ कर्म प्रशस्त है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्मः, यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। यज्ञ से हम संक्षिप्त में कहे तो संपूर्ण चराचर की तृप्ति होती है और साथ ही साथ विश्व में व्याप्त आतंकवाद अतृप्ति इत्यादि अनेक जो समस्याएं हैं उन सब की शांति हेतु यज्ञ में प्रार्थना की जाती है। संस्कृत साहित्य में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये संकल्प समाहित रहता है। इसी संकल्प को लेकर हर यज्ञ कर्म को किया जाता है कि संसार के संपूर्ण प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो और किसी को किसी भी प्रकार का कोई दुख प्राप्त न हो। नमो भगवते नृसिंहाय।